नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, जिसको लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस दौरान रिहर्सल, सिक्योरिटी और भाषण के दौरान पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 9 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भी 15 अगस्त को लेकर फुल तैयारी की है। हरियाणा के जींद में किसानों ने ट्रैक्टर परेड की फुल रिहर्सल की है। 15 अगस्त के दिन किसान भी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, लेकिन इस बार किसानों ने एक बात साफ कर दी है कि वो दिल्ली में नहीं घुसेंगे। किसानों द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड रैली के एक दिन पहले इसका नज़ारा देखने को भी मिला। एक तरफ किसानों ने रिहर्सल के नाम पर सड़कों पर ट्रैक्टरों की लाइन लगा दी, तो दूसरी तरफ किसानों का इस परेड को लेकर क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। 15 अगस्त की तिरंगा यात्रा की जो तैयारी है उसको लेकर आज हमने फाइनल रिहर्सल यहाँ उचाणा मंडी के अंदर की है, क्योंकि हमारी जबरदस्ती तैयारी है 15 अगस्त को लेकर, जिसमें 5,000 किसानों के छोटे बड़े व्हीकल, जिसमें गाड़ियाँ भी, साइकिल भी, स्कूटर भी, मोटरसाइकिल भी, बैल बुग्गी भी और ऑटो रिक्शा भी और JBC भी, सब कुछ जितने किसानों के पास साधन है सब शामिल होंगे। 5,000 के करीब साधन होंगे और कम से कम 20-25,000 महिला और किसान इस यात्रा में शामिल होंगे। क्या मकसद है और क्या क्या प्रोग्राम रहने वाला है? ये मकसद हमने किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारी, ऑटो रिक्शा वाले, रेहड़ी वाले, रेहड़ी लगाने वाले, आड़ती मजदूर, सभी को एकता का परिचय देने के लिए इस यात्रा को काटे और तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने के लिए इस यात्रा को, ताकि सरकार को पता चले कि जन जन जाग चुका है, सब किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब एक हो चुके हैं और इन काले कानूनों के खिलाफ है। और ये हमारा आंदोलन जब लग जारी रहेगा, जब लग ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, MSP पर हमें गारंटी नहीं मिल जाती। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग की है। इसके अलावा सरकार ने किसानों के प्रदर्शन के ऐलान के मद्देनजर लाल किले पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ जहां एक तरफ किसान अपनी आक्रामकता बढ़ा रहे हैं, तो वहीं सरकार भी इस बार पहले से ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। इसके अलावा सरकार ने किसानों के प्रदर्शन के ऐलान के मद्देनजर लाल किले पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड निकालने का आयोजन किया है। किसानों ने इस दिन को किसान मजदूर आज़ादी संग्राम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।